शरणागिरी नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था कि दंगा करोगे, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे और भरते भरते सात खानदान। जनपद हापुड़ में आज 342 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा विकासखंड धोलाना के गांव खेड़ा में पहुंचकर जनपदवासियों को 342 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए उन्होंने जनपदवासियों को बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश हापुड़ में 20 लाभार्थियों को अलग अलग परियोजनाओं के अंतर्गत प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। साथ ही आपको बता दें, जनपद हापुड़ के विकासखंड धोलाना के गांव खेड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां विकास और सुशासन के लिए जगह होगी। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। नागरिकों की सुरक्षा के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश का विकास होगा, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई विकास की परियोजनाएं प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के साथ साथ विकास की प्रगति पर ले जाने के लिए सरकार संकल्पकृत है। हमें कोरोना महामारी की लड़ाई में भी प्रशासन एवं जनता का सहयोग प्राप्त हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि आज हापुड़ संवर रहा है और प्रदेश बदल रहा है, यह नए भारत का नया प्रदेश है। नहीं है अराजकता, नहीं है गुंडागर्दी, नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था कि दंगा करोगे, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे और भरते भरते सात खानदान। 20 जाएंगे लेकिन 7 पीढ़ियां बीतने के बाद भी वो भरपाई नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना छोड़ दो। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग कावड़ यात्रा निकालने की कार्यक्रम बना रहे थे, बड़ा लोगों में उत्साह था, लेकिन प्रशासन उसके लिए कह रहा था कि साहब ये तो नहीं होता है। हमने कहा भी देखो, ये सभी शिव भक्त हैं, ये लोग अनुशासन को मानेंगे। भक्ति में लीन व्यक्ति अनुशासनहीन नहीं हो सकता, और सच्चा ईश्वर का भक्त कभी उदंड और उच्छृंखल भी नहीं हो सकता। वह उस अनुशासन को मानेगा और उस अनुशासन के अनुरूप हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, वही पिछली परिपाटी, नहीं घंटा नहीं बजेंगे, संघ नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी अब आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं ये सब बजेंगे और पूरी भव्यता के साथ यात्रा निकलेगी। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहीं कोई उपद्रव नहीं, कहीं कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई असुरक्षा नहीं। हर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हुआ जाता है, और व्यापारिक संगठनों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा उनके आवभगत के लिए जिस प्रकार से स्वागत के कार्यक्रम होते हैं, वह अभिभूत करने वाला होता है। यह आस्था, यह भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और इसी आस्था का सम्मान करने के लिए आज आप देखते होंगे दुर्गा पूजा का आयोजन हो, गणेश पूजा का कार्यक्रम हो, दीपावली के समय लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम हो, या फिर कावड़ यात्रा का कार्यक्रम, ये सभी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। और हमने तो सबसे कहा है, हर वर्ग, हर मत, हर मजहब के लोग अपने अपने पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, कोई बाधा नहीं। कानून के दायरे में रहकर के हम पर्व और त्योहार मनाएं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको सुविधा भी दें और सुरक्षा का।